कुछ डॉक्यूमेंट देख के आगे आने की अनुमति दे रहे हो? हाँ जी सर, जो ये ऊपर से जो गाड़ियाँ रहे हैं जैसे हिमाचल की, उनको परमिशन देख के अलाउ करते हैं। जैसे हमारी हरियाणा सरकार ने कुछ पास परमिशन अलाउड करी है, उनको देख के अलाउड करते हैं। और जो टूरिस्ट हैं जैसे जा रहे हैं, उनको मतलब कि जैसे हिमाचल सरकार ने परमिशन दे रखी है, तो जैसे कोई बंदा अपने घर जा रहा है, तो जैसे कोई नोएडा का रहने वाला, कोई दिल्ली का रहने वाला, कोई पंजाब का रहने वाला है, तो जैसे वो पास बना देते हैं हिमाचल टू दिल्ली, हिमाचल टू पंजाब, तो उनको अलाउ कर देते हैं ऐसे। या फिर कोई जैसे ज़्यादा बीमार है, जो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ले रखी है, जैसे कोई डायलिसिस का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, तो उनको जिन पर पास नहीं है उनको मतलब कि अपने रजिस्टर में एंट्री करके उनको अलाउ कर देते हैं, जो डॉक्टर की परमिशन लेते हैं। और सर, समूह देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कोविड के चलते? मैं तो ये अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में कम से कम अपने घर में रहें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और कम से कम भी 3-4 गज की दूरी बना के रखें। हाँ जी, किन लोगों को आगे जाने की परमिशन है, उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन है? सर नमस्कार जी, यहाँ सर हम TDR बैरियर बैठे हैं सर। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को एक ई पास की एक वेबसाइट दी गई सर, इस पर कोविड जो भी बाहर से प्रवेश द्वार पर आ रहे हैं लोग पर्यटक, उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव देख कर ही उनको जाने के लिए एंट्री की जा रही है सर यहाँ पर। और ये मैनुअली लिस्ट पे भी हम एंट्री कर रहे हैं, कितने आदमी हैं उसके साथ वो जा रहे हैं सर यहाँ से। और जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो वैक्सीन के जो उन्होंने टीके का अपनी पर्ची बनाई हुई है वो देकर इमरजेंसी के लिए कहीं दवाई लेने के लिए जा रहे हैं सर, कोई अपने घर जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। क्या कुछ गाड़ी है सर, उनको भी हम यहाँ पर रोक रहे हैं सर, उनके पास बना रहे हैं सर, उनकी रिपोर्टें देख के। हाँ जी, यानी